बहुत बड़ा पार्सल है और बहुत महंगा भी है। मैंने फिर जैन भाई की साइड जो है उसे खोला और उसी साइड पे ये पार्सल जो है ना ये रख दिया। डू नॉट स्टेप, ऊपर पाँव नहीं रखना, और क्या है वो विद केयर, हैंडल विद केयर। ये इतना बड़ा है। बिस्मिल्लाह। तो अब इस पार्सल को बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। तो टाइम आ गया है इस सरप्राइज को ओपन किया जाए, और ये बाहर से ही पता चल जाना है कि इसके अंदर क्या है। तो इससे मैं ही बता देता हूँ कि ये क्या है। ये है जी डॉलेंस की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, DWT 1470 PL मॉडल है ये। और इसकी मोटर वारंटी जो है वो 10 साल की है। 100% रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड मॉडल, और फिर उसका बार कोड। और इसका वेट कितना है, 42 kg, ग्रोस वेट 46 kg। टॉलेंस प्राइवेट लिमिटेड। वॉशिंग मशीन हमारी ख़राब हो गई थी तो मैंने उसको रिपेयर किया, उसका कंपेस्टर डाला। उस वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे आप लोगों के, तमाम व्यूवर्स के, आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो ले लें। तो फाइनली फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह कल की वॉशिंग मशीन जो है आ चुकी है, रात की आ चुकी है। तभी इसको अनबॉक्स करते हैं, चलाना सीखते हैं और सिखाते हैं इंशाल्लाह। और कपड़े धो के देखते हैं कैसे। कि साउथ कोरिया में थे ना जब, तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिक की मशीन, पहले कंपनी का नहीं पता कौन सी थी, मेरे ख्याल सैमसंग थी, फिर जो दूसरी आई थी वो LG। ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े डाल देते थे, सर्फ डाल देते थे और बस उसको स्टार्ट कर देते थे, बाकी वो सारा काम खुद ही करती थी। इसका भी देखते हैं कि ये सेम वही काम करेगी या वैसा काम नहीं करेगी, देखते हैं। ऐसा करना चाहिए वैसे। इस साइड पे कुछ ज़्यादा ही लिखा है, वारंटी लिखी है ये 150 वाट रन ऑन वोल्टेज, 150 वाट पर कम बिजली पे भी ये चल जाती है। ये ट्रिपल वाटरफॉल है और बाकी ये सारे साइन है। अल्लाह चलें। ये है जी हमारी वॉशिंग मशीन, माशाल्लाह टच सिस्टम। बिस्मिल्लाह। वारंटी कार्ड, माशाल्लाह ऑटोमेटिक। कपड़े धोएगी भी ये और सुखाएगी भी ये, बस आपने कपड़े डालने हैं, सर्फ डालनी है और इसे ऑन कर देना है। अभी इसकी सारी चीज़ें लगाते हैं, इससे पानी अंदर जाएगा और इससे पानी निकलेगा। एक चीज़ की मुझे कमी लगी है कि यहाँ पे पानी अंदर जाने का एक ही सुराख है। जो साउथ कोरिया में हुआ करती थी ना, उसमें पानी अंदर जाने के दो सुराख होते थे, एक रेड, ये देखा यहाँ पे जगह बनी हुई है लेकिन उन्होंने पॉइंट दिया नहीं, एक रेड और एक ब्लू। रेड से गर्म पानी, ब्लू से ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी जो होता है वो। बिस्मिल्लाह। इसकी मज़े की ये बात है कि वो टूटी स्पेशल होती है जिसके आगे मुंह होता है, ये उस पर लग जाती है। हाँ नहीं नहीं ऐसे टूटी पे नहीं, कहीं पे भी लग जाती है आराम से। ये साइड यहाँ पे लगी। दूसरी साइड जाएगी नल के आगे, टूटी के आगे, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। और ये पानी जहाँ से निकलेगा, तो पीछे से तो नहीं निकलेगा, साइड से निकलेगा। साइड से कहाँ से निकलेगा, ये नीचे से इधर है, ये सुराख यहाँ पे, ये पाइप लगेगा आगे से, ढक्कन खुलेगा और ये इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे ये अटक जाएगा ऐसे। अभी जहाँ से हमने खरीदी है ना, उनको मैं वो फोटो खींच के भेजता हूँ कि ये डेंट पड़ा हुआ है, इसका क्या करना है, डिस्काउंट करनी है, वापस करनी है, क्या करना है। इससे पहले कि हम डब्बे छब्बे को फेंक दें, फाड़ दें, इनसे पूछ लेते हैं इंशाल्लाह। दूसरी साइड पे पाइप कह रहा था वहाँ लगना है, लेकिन यहाँ पे ये पाइप निकला हुआ है, यहाँ पे लगना है आराम से। और ये डेंट का मैंने उन्हें मैसेज किया तो उन्होंने कहा है कि कंपनी का नुमाइंदा आएगा, वो डेंट सब कुछ निकाल के जाएगा यहीं पे, ना इस पीस को उठा के वापस भेजने की ज़रूरत है, ना खुद तजर्बा करने की ज़रूरत है, वो A1 कर देंगे इंशाल्लाह। तो वो कह रहे थे पैक पीस था, ओपन होता तो हम देख के भेजते, हमने पैक ही भेज दिया तो ये मसला निकल आया। वैसे भी जिस रास्ते ये आया है ना, ये मसला निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ख़राब रास्ता है। तो अभी इसको किसी पॉइंट पर रखते हैं, फिर चलाते हैं। पानी का कनेक्शन भी देना है तो वो देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक पानी इसके अंदर आना चाहिए, वो करते हैं इंशाल्लाह।
वहां पे यहाँ पे पानी का कनेक्शन है, यहीं पे मशीन रख के चेक कर लेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे पानी आने का भी रास्ता है, जाने का भी रास्ता है। बाद में किसी भी जगह पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे आराम से, पहले इसे वहां पे लेके जाते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पता नहीं कितनी भारी होगी, भारी है। हाँ जी, पास तो हम पहुंच ही गए हैं। लीजिए जी, पाइप हमारा पहुंच गया जहां पे पहुंचना था। चार इसके ऊपर नट लगे हुए हैं, चारों के चारों लूज करने हैं। ये लो जी, इसको टाइट कर दो। ये जी, जबरदस्त। ओके, तो पानी का कनेक्शन हो गया, बिजली का कनेक्शन रहता है तो उसके लिए मेरे पास एक्सटेंशन पड़ी हुई है, ये वाली। बिस्मिल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाह, चल गई। इसके अंदर पहले कपड़े डालेंगे, फिर सर्फ डालेंगे। ओके, पहले चेक कर लें पानी चलता है कि नहीं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ये ऑब्जर्व करती है कि इसमें कुछ है कि नहीं है, ये पानी लेना शुरू करती है। पानी बंद हो गया। और बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है, हमारे घर में कपड़े है ही नहीं जिनको धोया जाए, क्योंकि ऑलरेडी घर वालों ने ये धो के रखे हुए हैं, तो इसलिए आज हमारे घर कपड़े नहीं हैं धोने वाले। लेकिन जो मैंने चेंज किया ना, वो कपड़े हैं। हाँ जी, बच्चों के यूनिफॉर्म धोने वाले हैं, तो बच्चे आने वाले हैं, उनको ले आते हैं, बच्चों को भी, और फिर उनके यूनिफॉर्म धोएंगे। हाँ जी, ये सही है, फिर रिजल्ट का भी पता चलेगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़े धोने हैं सबसे पहले हमने इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ चुके हैं, उनके कपड़े भी आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये मज़े के साथ मज़े कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, म्याओ बिल्ली करती, म्याओ म्याओ म्याओ। अब हम डालेंगे इसमें सरफ। आइडिया नहीं है, जैसे हम धोया करते थे वैसे ही उसी तरीके से धो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पावर ऑन। अभी ऑटो पे किसी चीज़ को मैं नहीं छेड़ रहा, ये नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी अगर कपड़े धोने हैं उसको, या अच्छी तरह से धोने हैं वो सॉफ्ट हैं कि वो ख़राब ना हो। इको वाश है, फास्ट जल्दी जल्दी, और वूल है, बच्चों के कपड़े हैं, ये फोम क्लीन है, ये ट्यूब क्लीन है, एयर ड्राई है, बस सुखाने हों तो मेरे ख्याल से एयर ड्राई। अभी नॉर्मल पे रखते हैं हम, और इसको हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। रेन यहाँ पे है, वॉश, रिंस आई थिंक, स्पाइन या स्पिन, वाटर लेवल, डिले स्टार्ट, एयर ड्रायर, ये मेरे ख्याल से टाइमर है, टाइमर लगा दें प्रोग्रामिंग इसकी सेटिंग करने के लिए, और स्टार्ट बटन, पावर बटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट। ये सबसे पहले मेरे ख्याल से ऑब्जर्व करते हैं कि कपड़े कितने हैं इसके, मशीन करती है, फिर ये पानी जाएगा इसके अंदर। अब देखते हैं कि कितना पानी ये लेती है, और इसी में सर्फ भी डाली जा सकती है। ये इसके अंदर आपने सर्फ डालनी है तो ऐसे नहीं जाएगी, वो इसमें घुल घुल के जाएगी। इसके अंदर सर्फ डाली और इसको बंद कर दिया, फिर ये पानी में हो के सर्फ नीचे जाएगी। ऊपर ये नल चल रहा है, ये पानी जा रहा है, और ये लेवल यहाँ से बताएगी कितने लेवल का पानी हो गया, और ये टाइमर है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 39 लिखा हुआ है। दिन की रोशनी है ना, तो इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं है, 40 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। ये वॉश का टाइम है, मैंने गौर नहीं की, ये पानी का नहीं लेवल, ये वॉश का टाइम है 15 मिनट। तो अभी हम इसको लगाते हैं 15 मिनट पे ही। ओके, हो गया, और कुछ नहीं छेड़ते। पानी का लेवल मैं समझ रहा था, नीचे लिखा हुआ है वॉश। अब सर्फ कम पड़ जाएगी इतने पानी में। अब जी 44 मिनट लगेंगे,
यहाँ से पानी कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये वाटर लेवल है। गौर नहीं की मैंने ये पढ़ने में, बस ऐसे ही ट्राई 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 करता रहा तो सब कुछ गलत करता रहा। खैर आखिर में सीख गया, वाटर लेवल ये लिखा हुआ है तो इधर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वाटर लेवल यहाँ से एडजस्ट कर लिया, कपड़ों के हिसाब से बंदे को आइडिया हो जाता है कि कितना पानी इन्हें चाहिए, उतना वाटर लेवल एडजस्ट करके स्टार्ट कर देनी है। ये वॉश है, इसकी आप 15 मिनट आप धोना चाहते हैं, 20 मिनट धोना चाहते हैं, अगर कपड़े ज़्यादा हों तो फिर इसका टाइम जो है वो बढ़ा दें। तो बाकी ऑटोमेटिक जो है उसे रहने दिया है हमने भी, ज़्यादा टाइम हो तो बंदा तजर्बे करता रहता है। ओके, मज़े से धो, अच्छे से धो। अभी रह गए जी 21 मिनट, पानी दोबारा से भरा जा रहा है, सर्फ वाला पानी जो है वो सारा का सारा निकल गया। माशाल्लाह कपड़े लग रहे हैं बहुत साफ हो गए। अभी जा रहे हैं साथ वाले गांव में, मोहम्मद फातिमा परीरा, इनकी फरमाइश, फातिमा कह रही है कि जूस और डोनट खाना है, और परीरा ने लेज खा लिया। परीरा वहां से चीज़ें निकाल निकाल के यहां से रखी जा रही है, ये सारी चीज़ें हमारी हैं, कितनी बुरी बात है। वो परीरा ने रख लिया अपने से, ये देखो परीरा, परीरा बाज आओ, इतनी भूखी, इसलिए ये खुद आना चाहती थी। ये क्या? अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल मिस था, ये हमारे ग्रुप में दुकान पे नहीं गया हुआ था, ये उस घर था दूसरे घर, तो इसे वहां से लेके आया हूँ। ये ट्यूशन पढ़ के ना घर नहीं आता, वहीं पे रहता है, और नीचे गोबर पाव को लग गया। ये चीज़ देखो, वो शापर के अंदर, ये मूंगफली हम अपने लिए लेके आए हैं। लाल कितना कुछ लेके आए हैं ना हम। अभी जी हम अपनी मशीन चेक कर लें, ये लाइट जली हुई है, इस पे ये एरर आया, क्या आया, स्टार्ट करते हैं भला। हाँ जी एरर आ चुका है, तो उसको क्या करना है, ऑफ फिर ऑन। कपड़े तो ऐसे धुल गए हुए हैं, सर्फ भी निकल गई और खुश्क भी हो गए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसे और खंगालने की ज़रूरत है। खंगालने कहते हैं ना, जब सर्फ लगा के धो धा के दोबारा से साफ़ पानी में से निकालते हैं, यानी इसमें से सर्फ निकालते हैं, तो वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी घर वालों को मैं चेक करवाता हूँ, साफ़ सोने हो गए ना। आपको कैसी लगी वॉशिंग मशीन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कहने पे ही कह सकते हैं कि हमने ये वॉशिंग मशीन ली है, क्योंकि वो पुरानी वाली जब मैंने खोल खोल करके उसकी मरम्मत कर रहा था ना, बहुत सारे कमेंट यही आए थे। डस्टबिन तो नहीं है ये, डबड़ा बदीना फातिमा, ये बाबा को कहें, मामा को कहें, बाबा ने दिया कि इसमें डाल लें वो मूँगफली के छिलके। तो आपने कॉमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा यही कहा था कि जनाब ऑटोमेटिक लें, तो ऑटोमेटिक अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है, इसको अब करेंगे शट डाउन ऑफ। और काफ़ी हद तक हमने सीख लिया है, छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं शुरू शुरू में, वो हमसे भी हुई हैं। इसकी जाली थी ये वाली, ओहो ये वाली जाली यहाँ भी अंदर चली गई, ये बाहर, ओए बाहर बाहर बाहर, अभी पीछे से पानी कर देंगे हम बंद। और ये हमें मिली है 75,000 की, 75,000 की, और सस्ती मिली है या महंगी मिली है दरवाज़ों की तरह, ये भी महंगी ना मिली हो, खैर कीमत भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी, वॉशिंग मशीन भी शेयर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ लाल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो बनानी है, किस चीज की वीडियो बनानी है? बस कुछ कहना नहीं, क्या कहना है? थैंक यू।